नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर। तो दोस्तों, अभी बात कर रहे थे डीएफए डिजाइनिंग की, और लास्ट वीडियो में एक नए पैटर्न पर काम करना हमने स्टार्ट किया था, वेयर एंडिंग विद सो। तो थोड़ा मजेदार केसेस है पता लगाना है, या ऐसे मशीन डिजाइन करने थे जहां पर वो एक्सेप्ट करें स्ट्रिंग को अगर वो किसी स्पेसिफिक पैटर्न से एंड हो रहा है। तो उसी डिस्कशन को दोस्तों कंटिन्यू करते हैं और कुछ और बातें सीखने की कोशिश करते हैं इस पैटर्न के बारे में। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और अगला केस यहां पर लेंगे। एक केस हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके थे, पहले वाला। तो इस बार W की वैल्यू मान लेते हैं AB, है ना, और एंडिंग पैटर्न हमें सॉल्व करना है। तो कंक्लूजन पहले समझ लेते हैं, हुआ क्या, वो सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे स्टार्टिंग में जिसमें कुछ भी आ रहा हो, लेकिन लास्ट में दोस्तों क्या आना चाहिए, AB। ये एक पैटर्न हुआ। अब इस पैटर्न के बेस पर जैसा हमने हमेशा सीखा है, स्टेप नंबर वन किसी भी पैटर्न में, मैंने आपसे बात की, स्टेप नंबर वन हमेशा क्या है, पहले लैंग्वेज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग जो AB से एंड होगा वो दोस्तों मेरे ख्याल से खुद AB ही होगा। उसके अलावा मान लीजिए AAB हो सकता है, BAB हो सकता है, so on and so forth। Moral of the story यही है कि लास्ट में दोस्तों AB होना चाहिए। अगेन स्टेप नंबर वन जो हमेशा करते हैं, सबसे पहले लेंगे इनिशियल स्टेट Q नॉट, और जो भी सबसे छोटा स्ट्रिंग है पहले उसे एक्सेप्ट कराएंगे, वरना मशीन बहुत कॉम्प्लेक्स हमें लगने लगेगा। तो जो सबसे छोटा स्ट्रिंग है दोस्तों AB, उसको हमने एक्सेप्ट कराया, पहुंचे Q2 पर और उसको हमने बनाया फाइनल स्टेट। स्टेट चेंज क्यों की, अब मेरे ख्याल से हम भली बात ही जानते हैं, रीजन बीइंग हम याद करना चाहते हैं। तो यहां पर याद करने का तरीका क्या है, स्टेट चेंज कर लीजिए। तो जैसे आप Q1 पर हैं, अब आपको समझ आना चाहिए, जब Q1 पर हैं और Q0 था इनिशियल स्टेट, इसका मतलब A आ चुका है, बिकॉज Q0 से Q1 तक पहुंचने का जो रास्ता है उस पर A लिखा हुआ है ना। अब जब स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग दोस्तों में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो अगला काम हमारा होता है कि हम इस मशीन को कंप्लीट करते हैं। तो अब चलिए देखिए, क्योंकि एंडिंग पैटर्न है तो मजा आएगा, सोचते हैं एक बार। अब देखिए हमारा पैटर्न दोस्तों स्टार्ट हो रहा है AB से, है ना, A से स्टार्ट हो रहा है पूरा पैटर्न AB। स्टार्टिंग में कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता, बट लास्ट में क्या आना चाहिए, AB। अब दोबारा आपसे पूछता हूं, Q0 A के लिए तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, सवाल यह कि अगर Q0 पर B आए तो क्या करें। अब फिर देखिएगा, अगर पहला ही सिंबल B हो या कितनी बार भी है हमें फर्क नहीं पड़ता, तो दोस्तों क्या मैं इसको डेड स्टेट पे भेज दूं। जैसा हमने सीखा है एंडिंग पैटर्न वाले क्वेश्चन में दोस्तों डेड स्टेट नहीं होता, वो क्यों, अगर बी आ भी रहा है तो भी हो सकता है दोस्तों लास्ट में क्या आ जाए ए बी, और लास्ट में अगर ए बी आए तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। जब तक एंडिंग पैटर्न वाले क्वेश्चन में स्ट्रिंग एंड नहीं होता, तब तक हमें नहीं पता होता कि एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, बिकॉज कंडीशन दोस्तों एंड पे लिखा हुआ है ना। और डेड स्टेट हम कब लगाते हैं, जब हम श्योर हो कि एक्सेप्ट होने वाला नहीं है, तो यहां पर एक चांस है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता कितनी बार बी आए। तो जैसा हमने लास्ट केस में भी किया था, यहां पर दोस्तों क्यू नॉट पर बी के लिए सेल्फ लूप लगा लेते हैं। तो जैसे ही क्यू नॉट पर हमने बी के लिए लगाया सेल्फ लूप, अब कितनी बार भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आएगा ए हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ देखो, हमने क्यू नॉट कंप्लीट कर लिया। अब देखिए Q1 के हिसाब से सोचते हैं, अगर हम Q1 पर हैं तो ऑलरेडी हम ए को प्रोसेस कर चुके हैं, ए आ चुका है, पहले क्या आया था हमें पता नहीं, लेकिन लास्ट सिंबल पक्का क्या है, ए है, और अगर बी आया तो हम फाइनल पे जा ही रहे हैं। अब सवाल ये है, यहाँ पर ए पे पैटर्न नहीं लिखा, अगर ए के बाद ए आ जाए दोस्तों तो क्या करें, क्या दोबारा इनिशियल स्टेट पे जा सकते हैं या यहीं पर बने रह के वेट कर सकते हैं। तो देखिए आइडिया क्या है, हमारा पैटर्न है ए बी, अगर ए आ भी गया और उसके बाद कितने भी ए आए मेरे ख्याल से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ उसके बाद क्या चाहिए, बी चाहिए, हमारा पैटर्न खराब नहीं हुआ। अगर पैटर्न खराब होता, इनिशियल नंबर भी हमें नहीं मिलता सिंबल, तो हमें स्टार्टिंग में जाना पड़ता, बट ए के बाद कितना भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पर वेट करेंगे किसके लिए, बी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्यू नॉट पर वापस आने की जरूरत नहीं है, Q1 पर A के लिए आप सेल्फ लूप कर सकते हैं। थोड़ा सा क्रिएटिव आप सोचेंगे तो आपको आइडिया समझ आएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अब देखिए ऐसा करने के बाद Q0 और Q1 दोनों स्टेट ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आखिरी नंबर है Q2 का। अच्छा, एंडिंग पैटर्न में दोस्तों जैसा हमने सीखा है कि जरूरी नहीं है कि आप फाइनल स्टेट पे बने रहें। स्टार्टिंग वाले केसेस में क्या होता है, स्टार्टिंग कंडीशन आपने मैच की तो फिर फाइनल स्टेट पे जाके आप सेल्फ लूप लगाओ, लास्ट में कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब मान लीजिए अगर मैं Q2 पे हूं, तो एक बात पक्का है कि आखिरी के दोस्तों जो दो सिंबल थे वो थे AB। अब देखिए AB पर अगर आप हो और मान लीजिए दोबारा आ गया A,
तो पहले मेरा स्ट्रिंग ए बी से एंड हो रहा था, बट अब मेरा स्ट्रिंग बी ए से एंड हो रहा है, बिकॉज बी ए बी के बाद दोस्तों दोबारा ए आ गया है, और अगर अब स्ट्रिंग बी ए से एंड हो रहा है तो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब सवाल क्या है, हमें पैटर्न चाहिए पूरा, ऑलरेडी मेरे पास ए है, मुझे दोबारा पैटर्न बनाने के लिए कम से कम एक और बी दोबारा चाहिए। जैसे मुझे बी मिलेगा तो फिर मेरा स्ट्रिंग ए बी से एंड होने लगेगा। अब ये एक बी कौन काउंट करता है, ये क्यू वन से क्यू टू वाला। तो देखिए अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मैं काम करता हूं ऑन स्टेट Q2, जैसे ही आता है A मैं दोबारा Q1 पर आ जाता हूँ। तो देखिए A भी एक्सेप्ट है, लेकिन A B के बाद जैसे ही आया A मैं वापस और वेट करने लगा, मैं वहाँ नहीं बना रह सकता A पर, बिकॉज A B A अगर पैटर्न है तो ये B A से एंड हो रहा है और वो वैलिड नहीं है, क्योंकि हमें किससे एंड होना है, A B से। तो मैं A पर आया, वापस वेट कर रहा हूँ, और जैसे ही आएगा B दोस्तों फाइनल स्टेट पर हम पहुँच जाएंगे। तो देखिए फिर ये फॉलो करने लगेगा। आखिरी केस सोचते हैं, अगर A B हमारे पास है और देखिए दोबारा आ गया B, ये तो पूरा ही सिस्टम खराब हो गया, बिकॉज ए बी हमारे पास था, आया बी, हमारा पैटर्न तो खराब हुआ ही हुआ। अब ये ए बी से एंड ना करके बी बी से एंड कर, और मजे की बात नया पैटर्न स्टार्ट भी नहीं हुआ, यहां पर नया पैटर्न स्टार्ट हो चुका था, ए मिल चुका था, सिर्फ बी चाहिए था, इसलिए हम क्यू नॉट पर क्यू वन पर आ गए थे, बट यहां पर दोस्तों नया पैटर्न स्टार्ट ही नहीं हुआ। एक्सेप्ट कराने के लिए फिर मुझे दोबारा ए बी चाहिएगा, और वो जो ए बी है वो क्यू नॉट काउंट करता है, क्यू नॉट से ए पर जाते हैं क्यू वन पर, और क्यू वन से पर जाते हैं Q2 पर। इसका मतलब अब Q2 पर अगर आया B तो कोई ऑप्शन नहीं, हमें दोबारा इनिशियल स्टेट पे आना ही पड़ेगा। तो देखिए अप्रोच, अब आप देखेंगे कोई भी लॉजिक स्ट्रिंग आप इस पर ट्राई करिए, वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी जो B A B से एंड कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगेन ऑब्जर्वेशन समझिएगा, यहाँ पर क्या डेड स्टेट की जरूरत पड़ी, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन एंडिंग पैटर्न पे था। क्या फाइनल स्टेट पे लूप लगा के हमने होल्ड किया, जी नहीं, बिकॉज क्वेश्चन एंडिंग पैटर्न पे था, वापस आना पड़ सकता है। अब एक और ऑब्जर्वेशन, लास्ट केस में आप देखेंगे तो स्ट्रिंग की लेंथ थी टू, अगर आपको याद हो तो वहां पर प्रीवियस वीडियो में हमको थ्री स्टेट्स का खर्चा हुआ था, यहां पर भी स्ट्रिंग की लेंथ है टू, तो देखिए थ्री स्टेट्स का ही खर्चा हो रहा है, वो क्यों, अगर आपको याद हो इससे पहले वाले केस में हमें डेड स्टेट भी लगाना पड़ता था, है ना, बट यहां पर देखिए डेड स्टेट नहीं है, तो सिर्फ दो ही स्टेट में, तीन ही स्टेट में हमारा काम हो रहा है, तो आंसर यहां पे दोस्तों हो जाता है n प्लस वन। इन जनरल अगर आपके स्ट्रिंग का लेंथ w का लेंथ है, मान लीजिए n, है ना, और आपको बोल रहे हैं कि उस पैटर्न पे आप एंडिंग के लिए बनाओ, तो n प्लस वन स्टेट में बन जाता है। जैसे मैं आपसे बोल देता हूं कि मान लीजिए एक DFA बनाइए भाई, जो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे, वेर एवरी स्ट्रिंग इज एंडिंग विद बी ए फॉलोड बाय ट्रिपल बी। एवरी स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग के लास्ट में ये चार सिंबल आने चाहिए इस सीक्वेंस में, तो इसका लेंथ है 4, तो जो DFA आप बनाएंगे 4 प्लस 1, उसमें 100% 5 स्टेट्स आने वाले हैं। बना के देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि शॉर्टकट पैटर्न आपको पता है। तो बहुत सारे केसेस में गेट में क्या होता है ना, अगर आपको पैटर्न पता है तो आप देखते ही डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, है ना। चलिए अभी आखिरी केस और ट्राई करते हैं, यहाँ पर देखिए थर्ड केस में आई थिंक बोला है कि एवरी स्ट्रिंग मस्ट बी एंड विद बी ए बी, तो इस बार हमारा पैटर्न है बी ए बी। ऑफकोर्स एक काम आप क्या किया करें, बीच में वीडियो पॉज करें और अगला केस बनाने की कोशिश करें, बिकॉज अलग अलग केसेस बना के अप्रोच में सिर्फ यही ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप डिजाइनिंग को और अच्छे से समझें, है ना। तो रटने से नहीं होगा, कंसेप्ट समझिए, फॉलो करिए और फिर डिजाइनिंग सीखते हैं। तो फिर देखिए एंड में होना चाहिए बी ए बी, स्टार्टिंग में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगेन अगर मैं लैंग्वेज की आपसे बात करूं तो खुद सबसे छोटा पॉसिबल स्ट्रिंग बी ए बी ही होगा। अब उससे पहले ए आए या उससे पहले बी आए या कुछ भी आए, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो जैसा हमने सीखा है उसी अप्रोच को याद करेंगे, और सबसे पहले स्टेप में दोस्तों जो सबसे छोटा स्ट्रिंग उसको हम एक्सेप्ट कराते हैं हमेशा, वही काम मैं दोबारा करता हूं। तो Q0 पे आएगा B, मैं पहुंचूंगा Q1 पर, Q1 पर दोबारा आएगा A, मैं पहुंचूंगा Q2 पर, और फिर आएगा B, मैं पहुंचूंगा Q3 पर, और ये दोस्तों हमारा फाइनल स्टेट होने वाला है, बिकॉज बी ए बी जो है वो हमें एक्सेप्ट करना है। हमेशा हम ऐसा ही करते हैं कि जब सबसे छोटा पॉसिबल स्ट्रिंग दोस्तों हम एक्सेप्ट करा लेते हैं तो अब इस सिस्टम को हम कंप्लीट करते हैं, बिकॉज डी एफ ए कंप्लीट सिस्टम है। तो चलिए ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करते हैं क्यू नॉट पर। अब दोबारा आपसे पूछता हूँ, हमारा पैटर्न है बी ए बी,
अगर स्टार्टिंग में AI कितनी बार है, हमें फर्क पड़ता है क्या? नहीं। डेड सेट पे भेजना है क्या? नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग में अगर ए आ भी गया तो भी अगर लास्ट में BA भी आया तो हमें एक्सेप्ट कराना है, और डेड सेट पे हम सिर्फ तब भेजते हैं जब एक्सेप्ट होने की कोई पॉसिबिलिटी ना बचे। तो अगेन मान लेते हैं कि क्यू नॉट पर हमने क्या लगाया, ए के लिए लूप, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ रहा जितनी बार भी आए हम वेट करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए Q1 पर अगर आप पहुंचे तो पक्का आखिरी सिंबल था बी, हमारा पैटर्न है बी ए बी, हमारे काम की बात थी। ए आएगा तो आगे बढ़ेंगे, बट अगर दोबारा बी आया तो देखिए फिर सोचेगा दोस्तों क्या वापस आने की जरूरत है? नहीं। कितनी बार भी बी आए हमें फर्क नहीं पड़ता, हाँ उस बी के बाद ए बी आया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो यहां पर भी देखिए बी के लिए हम क्या लगा सकते हैं, सेल्फ लूप, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए अब Q2 को समझ रहे हैं। अगर आप Q2 पे हैं तो ऑलरेडी देखिए क्या आ चुका है, BA। अब सवाल है कि अगर A आया तो क्या होगा। अब देखिए जैसे ही BA के बाद अगर A आ जाता है तो हमारा पैटर्न बिल्कुल खराब हो गया। हमें चाहिए था BAB और यहां पर तो BAB के बजाय ये BAA हो गया। तो अब दोबारा से मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन है नहीं, हमको काउंटिंग करनी पड़ेगी और हमको BAB दोबारा जनरेट करना पड़ेगा। अब Q2 पर आप थे, ए बी बी ए आ चुका था और ए आया, पूरा पैटर्न खराब हुआ। तो आई थिंक इस ए के लिए दोस्तों आपको दोबारा इनिशियल स्टेट पे आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इनिशियल स्टेट पे आके फिर दोबारा ये पैटर्न याद करना स्टार्ट करना पड़ेगा, विच इज बी ए बी, है ना। तो आइडिया आपको क्लियर हो रहा होगा अभी तक। Q0, Q1 और Q2 तीनों स्टेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं आखिरी स्टेट Q3 की, है ना। तो देखिए फिर एक बार ऑब्जर्वेशन देखते हैं। Q3 पर अगर आप हैं तो ऑलरेडी देखिए BAB आ चुका है ना। अब मान लीजिए अगर आ जाता है A, तो देखिए जैसे ही BAB था, अभी तक ये स्ट्रिंग एंड कर रहा था किससे, BAB से, बट अभी एंड कर रहा है किससे, ABA से। तो पैटर्न तो हमारा खराब हुआ, बट फिर देखिए एक ऑब्जर्वेशन, क्या नया पैटर्न ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है? आई थिंक बहुत पहले हो चुका है ए से पहले वो, क्यों? बिकॉज BAB हमको चाहिए। अगर ए आया तो देखिए एक और BAB जनरेट होने की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, है ना। तो दोबारा मेरे पास BA है और इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए। तो देखिए थोड़ा क्रिटिकल मज़ेदार है, मेरे ख्याल से सिर्फ दोबारा इस पर आके काम चल जाएगा। देखिए अगर मेरे पास था BAB, मैं फाइनल पे था, अब अगर दोबारा आया ए तो मेरा पैटर्न तो खराब हुआ, बिकॉज मेरा स्ट्रिंग अब BAB से नहीं ABA से एंड कर रहा है, बट मेरे पास ऑलरेडी दोस्तों BA है और उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे सिर्फ B चाहिए ताकि दोबारा BAB बन जाए। तो BAB के बाद देखिए ये B है, फिर A है और फिर B है, तो फिर ये BAB से एंड करने लगेगा, तो यहीं तक वापस आके हमारा काम चल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, इफ यू हैव BAB और आपको मिल जाता है बी, तो पैटर्न ऑफकोर्स हमारा खराब हुआ, एंड होना था BAB से, एंड हो रहा है BB से या ABB से। तो अब इस बी से स्टार्ट करेंगे और दोबारा हमको चाहिए क्या, AB, और AB दोस्तों काउंट करता है कौन सा स्टेट, Q1। तो मेरे ख्याल से अगर यहां पे आता है बी तो वापस आपको जाना पड़ेगा Q1 पर और Q1 से आपका काम हो जाएगा। तो BAB एंड देन अगेन यू नीड व्हाट, बी एंड देन ए एंड देन बी। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। तो इससे जो है हमारा जो मशीन है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो आई थिंक देखिए दोस्तों प्रैक्टिस है, जितना डिजाइनिंग आप करेंगे धीरे धीरे उतना ही आइडिया क्लियर होगा। क्वेश्चन को रिवाइज करिए, समझिए और अपने हिसाब से अलग अलग कुछ पैटर्न बनाइए। जैसे मैंने यहाँ पे 3-4 केस ट्राई किए, आप कुछ केस बनाए, फिर कैसे चेक करेंगे मशीन से ये कि नहीं, उसमें अलग अलग स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा के देखें। पहले देखें कुछ एग्जाम्पल वैलिड के, कुछ एग्जाम्पल इनवैलिड के। अब जैसे यहाँ पर हमने बोला एंड करना चाहिए BAB से, अब देखिए क्या BBB तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या देखिए ABA तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इस तरह से क्या एक्सेप्ट करेगा क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जितने क्वेश्चन ट्राई करते जाएंगे पैटर्न आपका क्लियर होता जाएगा। तो अभी तक मेरे ख्याल से दोस्तों दो फ्रेमवर्क हमने ट्राई किए हैं, स्टार्टिंग विद सो एंड सो एंड एंडिंग विद सो एंड सो। एंडिंग वाला ऑफकोर्स थोड़ा सा ज्यादा क्रिएटिव है और कुछ ऑब्जर्वेशन जैसे दोबारा आपको याद दिलाऊं, स्टार्टिंग वाले में डेड स्टेट हमें मिले और फाइनल स्टेट पे लूप हमने लगाए, स्टेट्स लगे थे N+2, वेर N जो लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग थी, है ना। यहां पर आप देखेंगे तो डेड स्टेट्स हमको जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज जब तक पैटर्न खत्म नहीं होता तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, देयर इज अ चांस कि वो एक्सेप्ट हो जाए। और अगेन आपने देखा फाइनल स्टेट पे लूप नहीं है, वहां से वापस आपको आना पड़ सकता है। तो इंटरेस्टिंग केस है, कुछ टाइम लगता है इसको डिजाइन करने में। अब थर्ड केस दोस्तों ट्राई करते हैं अगली वीडियो से, स्टार्टिंग देख लिया एंडिंग देख लिया, क्या सब स्ट्रिंग भी हो सकता है? हो सकता है। तो आने वाले केस में दोस्तों देखते हैं
अगर कोई स्ट्रिंग बीच में कहीं मिल जाए सब स्ट्रिंग के केस में, तो उसको कैसे कंसिडर करते हैं। अच्छा, और बहुत सीखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे सीखेंगे। फाइनल स्टेट पर लूप लगाना है कि वापस आना है, या फिर इन डेड स्टेट का कंसेप्ट होगा कि नहीं होगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, मुझे दीजिए थोड़ा समय, बहुत जल्दी हाजिर होता हूँ अगली वीडियो के साथ, जहाँ पर बात करेंगे सब स्ट्रिंग पैटर्न्स की। तब तक के लिए धन्यवाद।